तो इस रूम की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि आप सभी को जो है विंडो से बाहर इतना अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। देखिए हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने हमारे नेपाल सीरीज़ के जो है सारे ब्लॉग्स देख लिए होंगे। वो सीरीज तो दोस्तों खत्म हो चुका है, लेकिन उसके कुछ वीडियोस जो है अभी भी बाकी है, जो कि मैं आप सभी को अभी दिखाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप सभी अपने पूरी फैमिली के साथ जनकपुर घूमने आते हो तो आप सभी के मन में एक सवाल जरूर होगा कि जनकपुर में जो है बेस्ट होटल कहाँ से मिलेगा फैमिली के लिए। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है यहीं अपने इस होटल का टूर दिखाने वाला हूँ, जो कि एक बहुत बढ़िया फैमिली होटल है जनकपुर में जानकी मंदिर के बिल्कुल पास। और आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है इसी होटल का जो है पूरा एक कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। इसी होटल में जो है हम रात को स्टे किए हैं और अब जो है हमें यहाँ से आगे निकलना है काठमांडू की तरफ। तो सबसे पहले जो मैं आप सभी को जो है इस पूरा रूम का जो है टूर दिखाता हूँ कि ये रूम कैसा है, उसके बाद जो है आप सभी को प्राइस वगैरह बताऊँगा और देखिए फिर क्या होता है। तो इधर जो है काफ़ी सारे रूम वगैरह है और ये जो है ये रूम हमारा है। चलिए इसे खोलते हैं, ये इसको चलते हैं अंदर। यहाँ देखिए पहले जो वो चाबी लगा हुआ यहाँ पे हमारा, और इधर जो है सबसे पहले आपको एंट्री के साथ ही बाथरूम मिल जाएगा। और ये जो है रूम है कंप्लीट पूरा, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे जो है फिलहाल टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे जो है ये स्विचेस वगैरह है, रूम में काफ़ी सारे लाइट वगैरह है और एसी भी दिया गया है यहाँ पे। और ये देखिए ये एक बेड है और ये दूसरा बेड है। फिलहाल तो ये देखिए काफ़ी हमने जो है गंदा वंदा कर दिया है। और यहाँ पर दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है। यहाँ पर दो ड्रॉर दिए गए हैं जो कि अभी पूरा खाली है, और यहाँ पर एक टेलीफोन दिया गया है जिससे कि आप सभी जो है नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये दोनों बेडों के लिए जो है ये चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। और यहाँ पर जो है दोस्तों ये सारे सामान जो है ऊपर में सारे हमारे हैं, फ़ोन चार्जर वगैरह सब कुछ जो है हमारा है। और उधर भी जो है देख सकते हो कोने वगैरह में जो है लाइट वगैरह दी गई है। और इधर जो है ये डस्टबिन दिया गया है, और ये जो है यहाँ पर दिया गया है एक छोटा सा टेबल है। और इधर भी जो है कुछ ड्रॉअर वगैरह दिया गया जिसमें आप सभी जो है अपना सामान जो है बहुत ईजीली रख सकते हो। और विंडो को जो है जो देखिए विंडो कितना अच्छा है, और यहाँ पर जब से चाहे तो इसको जो है बंद भी कर सकते हैं या फिर जो है अगर चाहे तो इसको जो है खोल भी सकते हैं। तो ये हो गया एक कंप्लीट मतलब रूम का रिव्यू। और वहाँ जो देख सकते हो ऊपर एसी लगा हुआ है, आप सभी जो है एसी भी चला सकते हो। यहाँ पे टीवी है, टीवी हमने जो है रात को चलाया था तो चल गया था टीवी, बस मतलब तो आपको मतलब चलाने के लिए ये वाला बटन दबाना पड़ेगा नीचे वाला। और इसमें जो है काफ़ी सारे चैनल आते हैं जिसमें कि जो है ऑलमोस्ट नेपाली है और कुछ जो है इंडियन चैनल भी है। तो ये हो गया हमारा टीवी के बारे में बता दिया आप सभी को। और ये जो है गद्दे की बात करें तो भाई ये काफ़ी कंफर्टेबल है, इसमें पूरा अपना आराम से लेट सकते हैं। ये गद्दे भाई इसमें कूदो फांगो कुछ नहीं होगा, मज़ा आ गया था इसको सो गए थे। और अभी आप सभी को मैं इसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा कि कितना जो इसका कॉस्ट पड़ा है एक रात का हमारा, तो वीडियो में बस लास्ट तक बने रहेंगे। मैंने पंखा वगैरह बंद कर दिया था तो पंखा भी अभी चालू कर दिया है क्योंकि वीडियो में जो इसका साउंड बहुत आ रहा था इसलिए जो बंद कर दिया था। और इधर देखिए सामने का व्यू पूरा जो है जैसे कि वो मंदिर का जो है वहाँ से मेन एंट्री है उस साइड से, और वो ये होटल जो है वो थोड़ा सा इस साइड है, मतलब इस साइड जो है लेफ्ट आके जो है ये होटल है। तो आइए दोस्तों अब जो है मैं आपसे बताता हूँ कि मुझे जो है इस रूम का जो है एक रात के लिए कितना चार्ज देना पड़ा है। तो देखिए ये रूम जो है दोस्तों एक सबसे पहले बता दूँ कि ये डबल बेड वाला रूम है, और यहाँ पर जो है हमें जो मतलब होटल के मैनेजर थे उन्होंने जो है हमें से मतलब बोला कि आप चाहे सिंगल बेड ले डबल बेड ले हम आपको जो है एक छूट देंगे कि आपको जो है मतलब सेम चार्ज लगाएंगे, डबल बेड सिंगल बेड में जो है कोई मतलब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाएंगे। और यदि आप एसी चलाते हैं, इस रूम में एसी भी है, तो आपको जो है 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे। तो इस रूम का जो है टोटल मुझे पड़ा है 1500 नेपाली, और अगर मैं एसी चलाता तो वो नेपाली हो जाते 2000 नेपाली हो जाते। तो 1500 नेपाली करेंसी का मतलब हम अगर हम माने तो इंडियन रुपीज में जो है मुझे 1000 जो है इस रूम के लिए पे करना पड़ा है। तो यही था कुछ आज का वीडियो, इस रूम के लिए मैंने जो है 1000 पे किया है। और नीचे में जो है खाने वगैरह की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, आप सभी जो है नीचे जा खा सकते हो। और अगर यहाँ नहीं खाना तो बाहर जो है काफ़ी सारे होटल वगैरह है, इस मतलब होटल के पास में ही काफ़ी सारे जो है फूड रेस्टोरेंट्स है, तो वहाँ भी आप सभी जाके खा सकते हो। ये होटल जो है दोस्तों ये होटल जो है जस्ट मंदिर के साइड में है, इसका नाम है गायत्री कुंज अतिथि सदन, जो कि आप सभी जो है जैसे जानकी मंदिर के बाहर रहेंगे तो आप सभी को इसका बोर्ड वहाँ से दिख जाएगा, काफ़ी बड़ा सा बोर्ड है। और एक पतली गली में जो है आगे आके ये होटल है, अभी आप सभी को मैं बाहर जाकर दिखा दूंगा कि किस तरह से जो है लोकेशन है और किस तरह जो है आपको यहाँ पर आना है। जो है ये होटल है और ये पतली गली है, इधर जो है जस्ट आगे से आप थोड़ा घूमेंगे तो यहाँ जानकी मंदिर है।
सामने देखिए जानकी मंदिर है उधर, और इसी पतली गली में ये रूम था। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ मैं आप सभी से बहुत जल्द हमारे एक और नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।